हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज काफ़ी एक मैसेज आया था और सवाल भी पूछे थे कि सर आप कौन सी कंट्री चूज़ करें, सिंगापुर चूज़ करें काम करने के लिए या यूरोप कंट्री में जाएं, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड सारी ही कंट्रीज़। यूरोप कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो यूरोप कंट्रीज़ में आपका रोमानिया, बुल्गेरिया, ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हाई डेवलप्ड कंट्री इन यूरोप की बात करते हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो यहाँ पर जॉब करें या सिंगापुर में जॉब करें। क्योंकि अगर हम सिंगापुर को फ्रांस से, अगर हम जर्मनी में देखा, जर्मनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सैलरी अच्छी है। क्या लिविंग ऑफ कॉस्ट, क्या वर्किंग इन्वायरमेंट है, हम पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कौन सी कंट्रीज़ आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, देखो तो सारी कंट्रीज़ बढ़िया है। हमारी स्किल के हिसाब से हम कौन सी कंट्री, हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को पैसे कमाने का ही मकसद है, कुछ लोगों को सेटलमेंट होने का, जो लाइफ सेटल करनी है उसके पर्पज़ से जाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, कुछ के पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या हम उस कंट्री में एग्जिट कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, विदेश जाने का सपना रखते हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। आप विदेश जाने के लिए एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोस में डाल रखी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन एजेंसीज के साथ जो है उनके प्लेटफॉर्म जो है सोशल है, सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, लिंक्डइन है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। उनके पास जैसे भी वैकेंसी है, आपने आप और इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो हमेशा आपको अपडेट रहती रहेगी कोई भी वैकेंसी चीज है, यूरोप की हो, इधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की जॉब आने वाली है तो मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करो। अब बात करते हैं, देखो काफ़ी एक सवाल था कि सर सिंगापुर में आया जाए या यूरोप कंट्री में जाए, तो सिंगापुर में कौन से लोग कैसे आ सकते हैं। तो सिंगापुर में अगर आप आईटी इंडस्ट्री से आ रहे हैं तो भाई सिंगापुर आपके लिए बहुत अच्छा है, होटल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप यूरोप में थोड़ा सा सैलरी, मेरे हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे रोमानिया है, क्रोशिया, यहाँ पर सैलरी 70-80 हज़ार, पोलैंड है 60-70 हज़ार, 1 लाख के, कि यहाँ पर सिंगापुर में आपको 1 लाख के आसपास आराम से सैलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप सेटलमेंट के ऊपर से बात करने की, सेटलमेंट करना है तो कैसे, तो चलते काम के साथ साथ आपके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो सेटलमेंट की मैं बात करता हूँ कि भाई सेटलमेंट के हिसाब से अगर आपको सैलरी देखनी है कि भाई कौन सी कंट्री में इजी सेटलमेंट है, तो यूरोपियन कंट्रीज में जैसे पोर्तगाल है, पोलैंड है, यहाँ पर आपका लंबे समय तक सेटलमेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं, जो सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आप एक सवाल आएगी सर सिंगापुर में कैसे लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो मैं आगे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको पीआर वगैरह का पर्सपेक्टिव देखना है तो सिंगापुर में जो है इतना आसान नहीं है, पीआर वगैरह लेना बहुत टफ है, लेकिन हाँ काम कर सकते हो। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, पोर्तुगाल, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ की जो कंट्रीज हैं इस तरह की, करें इटली, इटली के पेपर बहुत जल्दी बन जाते, तो यहाँ पर आप आराम से 5-6 सालों के बाद आप सेटलमेंट हो सकती है, आपकी पीआर वगैरह आप ले सकते हो। तो सेटलमेंट के हिसाब से देखा जाए और तो आप यूरोप कंट्रीज आपके लिए बेटर, लेकिन सैलरी कम है। तो अगर हम बात करें, अगर सिंगापुर में पीआर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए या यूरोप में पीआर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आपको कंपैरेटिवली, मेरा जो मानना है, जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, सिंगापुर और यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में पीआर के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पीआर के पर्सपेक्टिव से लेना है तो यूरोप कंट्री जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो देखो ऐसा है सिंगापुर में सैलरी हाई मिल जाती है कंपेयर टू यूरोप, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो एक रूम, एक पर्टिकुलर रूम है 600-800 डॉलर्स का मिलता है, जो यूरोप में शायद एक पूरा 3-4 कमरों का घर भी मिल सकता है। और तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिपेंड करती है, तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखा जाए सेविंग्स की, तो मेरे हिसाब से दोनों कंट्रीज़ में सेम ही हो जाती है। अगर आप यहाँ पर 3,000 डॉलर्स कमा रहे हो तो 2,000 खर्च होते हैं तो 1,000 बचते हैं। अगर वहाँ पर आप 1,500 यूरो कमा रहे हो तो आपके 500 यूरो में काम होता 1,000, तो कुल मिला के बात वही है। तो कमाई के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक और कि सर
जॉब्स के बारे में, तो वैरायटी ऑफ जॉब्स जो हैं सिंगापुर में आईटी, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी के बेस पर ज़्यादा है, लेकिन और कंट्रीज़ में है आपको फैक्ट्री वर्क, वेयर हाउस, एग्रीकल्चर जॉब, तो वैरायटी जो जॉब्स की हैं वो ज़्यादा और मिलेगी। कुछ लोग एग्रीकल्चर की जॉब लेना चाहते हैं, तो बहुत से लोग जो एग्रीकल्चर की जॉब सिंगापुर में तो ना के बराबर है, बिल्कुल पॉइंट पर गार्डनिंग वगैरह की जॉब आपको मिल जाएगी। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो इटली है, अगर हमारे इटली के तो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, तो आपके पोलैंड हैं, तो इस तरह की अगर कंट्री में अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब लेना चाहते हो तो सिंगापुर से बढ़िया है यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े फार्म लैंड हैं, क्योंकि हर कोई तो आईटी इंडस्ट्री से होता नहीं है। हाँ, अगर आईटी इंडस्ट्री में देखना चाहते हो तो सिंगापुर आपके लिए बेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको समझानी थी, क्योंकि काफ़ी सवाल आए थे। हाँ, इसी तरह से अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जॉब लेना चाहते हो तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, आपको बहुत, अब डेयरी फार्म है तो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आता है अपने जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, तो आप, अब देखो सिंगापुर तो हमेशा एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम मलेशिया से, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जॉब लेना चाहते हो तो आप यूरोप कंट्रीज़ ज़्यादा चुनें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने बता ही दिया, पीआर का सेटलमेंट का आपको बता दिया है, और हाँ कुछ लोग यहाँ से मूव होना चाहते हैं तो भाई वो दोनों कंट्री से मूव हो सकते हैं। अब देखो, हम सिंगापुर से कनाडा, यूएस मूव हो सकते हैं, हम यूरोप से मूव हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया मैं आपको आगे जाने वीडियो में बता दूंगा। आई होप से आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी बता देना, और आपका क्या टॉपिक है मुझको उसके बारे में बता देना। थैंक यू, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।